दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं टेड़वा चिलोला पड़ता है लखीमपुर रोड पर। जैसे ही सीतापुर से चलेंगे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है और वहीं पर एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रेन पुल बना हुआ है। बरसात के मौसम में पानी भर जाता था और देखते हैं इस समय कंडीशन क्या है उस ट्रेन पुल की, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सामने से देखने पर ट्रेन पुल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, अंडरग्राउंड सीधी रोड अंदर चली गई है, पिलर्स पर जो है उस पर शेल्टर बना हुआ है इस तरीके से। तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अंदर जो पानी, क्योंकि स्लोप बनता है तो अंदर पानी भर जाता है और जिस वजह से दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में। और इस साइड में कोई रोड भी नहीं है। अभी जो सीन दिखाया था वो अंदर का सीन था। पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा था पिछले साल, और इस साल जो है अभी बरसात बहुत ही कम हुई है, जिस वजह से जो है पानी अभी कम है और बहुत ही कम सीतापुर में बारिश हुई है। सीतापुर के आसपास हो सकता है अधिक बारिश हुई हो, और इस जो है सीतापुर में बहुत ही कम बारिश हुई है जिस वजह से अभी अंदर पानी नहीं है, वरना इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। पुरानी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछले साल की, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाइएगा, देखिएगा क्या हाल था इसका पुराने, मतलब पिछली वीडियो में क्या हाल था इसका, क्योंकि उस समय बरसात ज़्यादा हुई थी जिस वजह से यहाँ पर है पानी बहुत ही ज़्यादा भर गया था। और पूरा सीन दिखाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पिछले साल और इस साल में अंतर बस इतना है कि बरसात इस साल कम हुई जिस वजह से पानी बहुत ही कम है। बाकी देख सकते हैं अंडरग्राउंड कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और आप लोगों ने अगर यात्रा की है सीतापुर से लखीमपुर के मध्य में या सीतापुर से लखनऊ के मध्य में, तो आप लोगों को कई जगह ये ऐसे अंडरग्राउंड ट्रेन पुल देखने को मिले होंगे। तो चलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ।